by all means, everything. You have discussed examples also. करनी है. चलिए बेटे मैं फ्यू एग्जांपल्स लेकर फिर आगे चलता हूँ बेटे. इन द केस ऑफ द डेरिवेटिव, जैसे आपने डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स अपने डिस्कस किए थे, डेरिवेटिव में फॉर्मूलाज आपने डिस्कस किए थे. वी वर सपोज टू, आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम बेटे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, जिनमें हमारे बेसिक डेरिवेशन के साथ रिलेटेड बेटे रिलेशनशिप्स थे. आप इमेजिन कर लीजिए बेटा, आपका जो वाई है, मैं एक एग्जांपल बेटे लेकर कंटिन्यू कर रहा हूं. सपोज वाई इज इक्वल टू बेटे 2x+5 इंटू बेटा 3x² + 4 बेटे, और आप इसका डेरिवेटिव बेटे वर्कआउट करना चाहते हो, डी वाई बाई डी एक्स आप निकालना चाहते हैं. इसको आप यू और इसको आप वी की फॉर्म में अगर ले लोगे, जैसे आप लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू वाई डी एक्स बेटा. हमें बेटे इसी तरीके से इसके साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा. सो आइए देखें बेटा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन स्मॉल यू और ये आपका बेटे सेकंड फंक्शन वी है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन यहां पे आप कंपेयर कर सकते हो साथ साथ. देन बेटा सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन. अभी हमें बेटे सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी है, ऑटोमेटिकली ये बेटे अपने आप इसका जो डेरिवेटिव है वी विल बी गेटिंग एज सच. 2x+5 ये हमारे पास है, डी डी एक्स ऑफ वी दिस इज 3x² + 4 प्लस बेटे वी आपके पास है 3x² + 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ योर बेटा 2x+5 बेटे. जरा ध्यान से बेटे सोचेंगे, आइए वन बाई वन इन डेरिवेटिव्स को बेटा कंप्लीट करके देखें. इन डेरिवेटिव्स में यू कैन वेल सी दैट ओवर हियर बेटे ये चीज तो आपकी एज सच रह गई है, इसमें कोई चेंज है नहीं बेटा. आप इसको एज सच फिर से लिख दीजिए, 2x+5 इसमें कोई चेंज है नहीं. अब इन दो टर्म्स का डेरिवेटिव है, ये 3x का स्केयर है बेटा, 3 आपका कांस्टेंट है तो 3 में तो कोई चेंज आएगा नहीं. डेरिवेटिव ऑफ x² आप बताओ पुत्र, x² का डेरिवेटिव हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस बेटा. डेरिवेटिव ऑफ x² ओके, मैं सेपरेटली कर देता हूं बेटे. जैसे आप डेरिवेटिव ऑफ बेटे ये 3x² + 4 करना चाहते हो ना, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x² डेरिवेटिव ऑफ बेटे 4. आप ऐसे करोगे बेटा सारे स्टूडेंट्स. इसको मैं प्रेजेंटली यहां पे ही फॉर द टाइम रोक रहा हूं. इसमें ये nx² वाले टाइप बन गया बेटा. इस चीज का जब आप डेरिवेटिव लेंगे इट विल बी 3 डी डी एक्स ऑफ x² बेटा, और ये आपका 4 है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इट विल रिजल्ट इन टू 0. ये 3x² का डेरिवेटिव कितना बन गया, 2x^2 - 1 प्लस 0 एस एच, ये बेटे बन जाएगा 6x बेटा. जरा बेटे डियर चिल्ड्रन चेक कर लीजिए, इज इट ऑल राइट व्हेन वी आर एडजस्टिंग इट इन दिस मैनर बेटा. कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं बेटे किसी भी स्टूडेंट को लग रही है. दिया दिया हरनूर मंजोत राघव क्लियर है ओके बेटे.
सो आइए कंटिन्यू करते हैं बेटे फर्दर। अब देखो ये चीज आपने सॉल्व कर ली, इसका डेरिवेटिव बेटे सॉल्व करने पे आपको मिल गया जी 6x। मैंने 6x डायरेक्टली लिख दिया, राइट बेटे। और ये फर्दर देखिए, दिस इज 3x का स्क्वायर प्लस 4sh है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, इसको बेटा मैं सेपरेटली सॉल्व कर देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 कैसे देखेंगे बेटे, आइए एक दो स्टेप्स में इसको सेपरेटली करके देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 बेटे, डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1, इट विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 बेटा। ये चीज बनी बेटे, क्लियर है सारे बच्चों को? अब इसमें देखो 2x में 2 आपका कॉन्स्टेंट है, इट विल बी 2 डेरिवेटिव ऑफ x बेटा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव बेटे कितना होगा, 0, राइट। सो इट विल बी सिंपली 2 बेटा, डेरिवेटिव ऑफ x विल बी सिंपली 1। तो यहां पे आप इसको पुट कर दोगे मल्टीप्लाइड बाई 2 बेटा। अब आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, सॉरी सॉल्व कर लीजिए, वैल्यूज तो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड ही हैं। इट विल बी 6x इनटू 2x प्लस 5 प्लस बेटे ट्वाइस ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 4 बेटे। जरा बेटे चेक करो सारे स्टूडेंट्स, इज इट ऑल राइट बेटा? देखिए बेटे और मुझे बताइए, कहीं पे किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए, अकॉर्डिंगली आई विल बी मैनेजिंग द थिंग्स बेटा। यस बेटे दिया, यू कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, इज इट क्लियर? यस सर, लास्ट स्टेप एक बारी बता दो, हाँ जी बेटे, लास्ट स्टेप एक बारी बता दो। इस 6x को आगे ले गए हैं और इस 2 को यहां पे आगे एडजस्ट किया, और कोई भी नहीं बेटा, और कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, राइट। चलिए बेटे मैं एक और बड़ा सिंपल सा आइडिया आपको करवाता हूँ, फिर आपको और भी ज्यादा जो है डेरिवेटिव का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने डेरिवेटिव लेकर प्रोसीड करना है। लेट अस बेटे सी टू दैट पार्ट आल्सो, लेट अस हैव डेरिवेटिव ऑफ एन अदर टर्म। सिंपल सा डेरिवेटिव दे रहा हूं आप लोगों को। सेकेंड प्रॉब्लम है वाई, लेट इट बी इक्वल टू बेटा 3x² प्लस 7√x प्लस 9 बेटे। इसका डेरिवेटिव बेटे करके देखेंगे क्या आता है। डी वाई बाई डी एक्स, अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग टर्म्स का डेरिवेटिव बेटे हम साथ ही ले लेंगे। इट विल बी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 7 बेटा। रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स की पावर 1/2, ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ 9 ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है जी। इट विल बी इक्वल टू, पहले इसका डेरिवेटिव बेटे आइए देखें, इसमें 3 तो आपका कांस्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर हुआ जी, चेक करिए साथ साथ सारे स्टूडेंट्स बेटा। एंड दिस विल बी 7 डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2, और बेटे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बिल्कुल ठीक बेटा, इट विल टर्न आउट टू बी 0। अब आप अगेन सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी बेटा 2x बेटे प्लस 7 बेटे, एस सच है डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2, दिस इज 1/2 एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 बेटा, और यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स टू बी इक्वल टू 6x प्लस 7/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 बना बेटे। देखो ये
वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, नॉट माइनस वन बाई टू, इट विल बी प्लस विद। ठीक है जी। सो आपके पास बच्चों डी वाई बाई डी एक्स जो है सिक्स एक्स प्लस सेवन बाई टू रूट एक्स बेटा। सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक करिए और मुझे बताइए, अगर कोई आपको मुश्किल लगती है बात तो जरूर बताइए। आई विल बी रिपीटिंग दैट पॉइंट बेटा। यस बेटे डियर ऑल, ठीक है बेटे, ठीक है, समझ आ गया आपको भी बेटा। चले आगे। एक बेटे मैं आपको यू बाई वी वाली फॉर्म का भी प्रॉब्लम आपको बताता हूं, इंडिकेट करता हूं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो बेटे। आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव आल्सो बेटा, साइन।